जो कि SSP साहब बटाला जी दिया दिशा निर्देशों से DSP साहब डेरा बाबा नानक जी की निगरानी हेठ थाना डेरा बाबा नानक पुलिस वालों खास करके नशे के खिलाफ पहला ही लगातार सख्त मेहनत की जा रही है। इस लड़ी में कल साढ़े चौंकी इंचार्ज SI कश्मीर सिंह नूं एक इनफॉर्मेशन मिली कि सरा डेरा बाबा नानक एरिए दे नाल बॉर्डर जिहड़ा लगता दरिया ते दो गड्डियां जिहड़ियां शक्की हालत च घूम रही ने और जिन्हां कोल पाकिस्तान तों समगलिंग करवा के भारत विच केप मंगवाउण वास्ते दरिया रस्ते कुछ जिहड़ा इतराजयोग समगरी हैगी है कुछ उहनां कोल नशीला पदार्थ भी हो सकदा वा जे मिल जाए तो वधिया खुलासे हो सकते हैं। जिस ते SI कश्मीर सिंह वालों सीनियर अफसरों के ध्यान में लिया के फिर दो टीम तैयार की गई उस बाद SI जसविंदर सिंह भेजा गया। इस दौरान एक टवेरा गड्डी जिदे चार नौजवान तलाशी की गई टीम वालों दरिया सुटने वास्ते जाल डंडे रस्से टार्च ड्राइवर सीट के थल्यों 50 ग्राम हैरोइन वो मिली। उसके पिछे ब्रीजा गड्डी दे विच पत्तू भीले तो एक गुरविंदर सिंह नाम का व्यक्ति मिलिया जिन्हें पुछगिछ तो यह क्लीयर होया कि कोई प्रिंस लां का लड़का फरीदकोट जेल के और जिदे पाकिस्तान जेल में बैठे हो पाकिस्तान वो समगलर नाल संबंध जिहड़ा जेल में ही वड्डे लैवल का वो नशे का नैटवर्क चला रहा और उसी ने ही अपने कोरियर तौर पर भेजे सी टीम ताजो पाकिस्तानी समगलर दरिया रस्ते वड्डी खेप हैरोइन दी भेजणगे और ये कोरियर जिहड़े बंदे इहनूं रिसीव करनगे ते उहदी निगरानी जिहड़ी है वो प्रिंस जिहड़ा जेल दे विच उहदा भरा गुरविंदर सिंह कर रहा सी। फिर यह भी तसदीक होया कि गुरविंदर जिहड़ा उहदा वो भी करीब 4-5 महीने पहला ही 0.5 किलो हैरोइन दे केस विचों के कोर्ट चों जमानत ते आया। फिलहाल पुलिस वालों NDP सैक्टर दी कार्रवाई की गई है दोषियों नूं मानजू कोर्ट च पेश किया गया है रिमांड भी हासिल किया गया है और इन्हां दी पुछगिछ दौरान होर भी अहम खुलासे होण दी संभावना है। दूसरे पद्धर ते जिहड़ा जेल विच बैठा प्रिंस उन्होंने भी प्रोडक्शन मंड से लिया के इस केस में पुछगिछ की जाएगी और जो वो पुछगिछ तो वड्डे खुलासे होंगे वो दोबारा आवजी के रूबरू किए जाएंगे। धन्यवाद जी।